फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इसमें हम आज देखने वाले हैं केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड दिखता है, और हाइपोथेसिस यानी आपको मालूम है ये 100% ऐसा प्रूफ नहीं होता है, दिस इज हाइपोथेसिस। ये साइंटिस्ट ने ऐसा एक्सप्लेन किया है, वो 100% प्रूफ है क्या नहीं है, हाइपोथेसिस इसी को कहते हैं। तो केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, कहां होता है, कैसे होता है, उसका क्या फायदा है, यह आज हम देखने वाले हैं। तो केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का सीक्रेट क्या है, तो इसके पीछे है एटीपी सिंथेसिस बनना। केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या बनता है, एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। तो ये जो एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, तो इसमें क्या सीक्रेट है, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन द क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से एटीपी बनता है। ओके, तो हमें देखना है केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, शुरू में दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थायरोकाइड मेम्ब्रेन रहता है, मालूम है आपको एक ग्राना बंडल रहते हैं, और उसमें एक एक पार्ट कॉइन जैसा, उसको क्या कहते हैं, थायलोकाइड। और ये थायलोकाइड का ये मेम्ब्रेन है, और थायलोकाइड मेम्ब्रेन के अंदर लूमेन है। ओके, तो हम देखते हैं अभी व्हाट हैपेंस। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट में आपको मालूम है पीएस सेकंड है, उसका वेवलेंथ 680 रहता है, और 680 से ज्यादा वेवलेंथ किसका रहता है, पीएस फर्स्ट का, P700। ओके, तो इसमें होता क्या है, देखिए सनलाइट फॉल होता है पीएस सेकंड पे, तो सनलाइट पीएस सेकंड पे फॉल होने के बाद में व्हाट हैपेंस इन द पीएस सेकंड। तो पीएस सेकंड में क्या होता है, H2O का ब्रेकडाउन होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, उसको क्या कहेंगे बायोलॉजी में, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। वाटर टूट जाना, वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन सेपरेट होना, रिलीज होना, तो इसको क्या कहते हैं बायोलॉजी में, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी। तो ये क्या कहां कहां जाते हैं, ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वो तो बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन जो है यहां बनता है H2O के ब्रेकडाउन से, तो वो यहां अक्यूमुलेट होते जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है बाकी बचे हुए, दैट फ्लोस इन दिस साइकिल। ये साइटोक्रोम P6 से P700 इस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन मूव हो जाते हैं। तो देखिए इधर बाहर से का जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लिक्विड पार्ट, और स्ट्रोमा से भी H+ आयन इनसाइड द लुमेन आते हैं, ये H+ आयन आ रहे हैं प्लास्टोकॉर्निंग के जरिए, दैट इज कमिंग इन द लुमेन। तो वो क्या रहा है, हाइड्रोजन के ब्रेकडाउन से भी H+ आयन आ रहे हैं, ये प्लास्टोकॉर्निंग के जरिए स्ट्रोमा के लुमेन भी आ रहे हैं। तो लुमेन का कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम हो रहा है या अंदर कम हो रहा है, बाहर स्ट्रोमा में कैसा हो रहा है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, और इनसाइड द लुमेन द H+ कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। यही इसकी खासियत है इस केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की, कि H+ आयन का बढ़ना किसमें, लुमेन में क्या स्ट्रोमा में, लुमेन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना। तो इससे जो हाँ तो पंप तैयार होता है, उसको कहते हैं प्रोटॉन पंप या प्रोटॉन ग्रेडियंट। H+ आयन को क्या कहेंगे हम, प्रोटॉन ग्रेडियंट और प्रोटॉन पंप। तो इसमें होता है क्या, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है इसे, और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन प्रोटॉन पंप बन जाता है। इधर हम पहले देखेंगे इधर क्या हो रहा है, जैसे यहाँ लाइट फॉल हो रहा है वैसे पीएस फर्स्ट में भी लाइट फॉल हो रहा है, और यहां भी एक रिएक्शन हो रही है NADH में प्लस H+ रिलीज हो रही है, वो कहां से आते हैं बाद में देखेंगे। ओके, NADH में H+ मिक्स हो रहे हैं और उससे बन रहा है NADPH। तो इसके लिए भी एक एंजाइम जरूरी है, यहां लिखा है मैंने एंजाइम का नाम भी, जो क्या करता है NADH प्लस H+ का कन्वर्शन NADPH में करता है, क्योंकि एरो इधर दिखाया है। तो कौन सा एंजाइम जरूरी है इसके लिए, NADP रिडक्टेज। तो देखिए अभी हम देखते हैं जो एक्चुअल प्रोसेस है इसका, केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मेन सीक्रेट क्या है, एटीपी का बनना,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी के बनने के लिए एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना जरूरी है, प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार होना जरूरी है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट या बढ़ गया एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो दैट विल सी द डोर टू गो आउटसाइड एंड दैट इज हियर, करेक्ट। यहां से क्या होते हैं एच प्लस आयन बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और इसका इफेक्ट क्या होता है ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट कॉजेस कंफर्मेशनल चेंज इन द CF1 पार्टिकल ऑफ द एटीपी सिंथेसिस। तो इसमें जो CF1 पार्टिकल है, एटीपी सिंथेसिस एक एंजाइम है जो एटीपी को बनाता है, नीट के लिए ध्यान रखो एटीपी को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम है एटीपी सिंथेसिस। तो ये एटीपी सिंथेसिस एंजाइम के भी पार्ट है, जैसे यहां जो पार्ट है जिसमें चेंज होता है वो है CF1 पार्ट है, CF0 पार्ट भी रहता है इसका और CF1 पार्ट भी रहता है, लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां से जाते वक्त ब्रेक डाउन हो जाते हैं एच प्लस आयन, प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होता है, तो इससे क्या हो जाता है CF1 में कंफर्मेशनल चेंज आ जाता है, ये केमिस्ट्री का लैंग्वेज है, कंफर्मेशनल चेंज यानी उसमें बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं, ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस बायोकेमिकल चेंजेस। और इससे होता क्या है एटीपी सिंथेसिस को प्रेरणा मिल जाती है दैट गेट excited to produce large number of ATP. You are getting this? Yes. और इसमें भी क्या होता है H plus ion release होते हैं। और ATP कैसे बन रहा है? ATP synthesis तो बना रहा है ATP को। और कैसे बना रहा है मुझे भी पता है CF1 में change आ जाता है proton gradient break होने से। तो ये ATP तो बन रहा है, ATP synthesis बना रहा है इसमें, लेकिन किससे बना रहा है? ADP plus ATP, adenosine diphosphate plus inorganic phosphate. इससे एटीपी बन रहा है, कौन से एंजाइम के जरिए एटीपी सिंथेटेज। इसमें भी इस रिएक्शन में भी एटीपी सिंथेटेज के जरिए एटीपी बन रहा है, इस रिएक्शन में भी एच प्लस रिलीज होते हैं, और यही एच प्लस देखिए इधर NADH प्लस एच प्लस यहाँ जो आए कहां से आए स्ट्रोमा से इधर से इधर आते हैं मिक्स हो जाते हैं NADPH बनता है। तो ये आप इसको थोड़ा ब्रॉडली ले लीजिए, ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो कंफ्यूजन में जाएंगे, करेक्ट। Chemiosmotic hypothesis is nothing but the synthesis of ATP. Chemiosmotic hypothesis में क्या हमें समझ में आया है? ATP कैसे बनता है? Correct? और ATP ये जो बना है, उसका उपयोग क्या है? Immediately that is used in the dark reaction to absorb the CO2 and to make the glucose. Last point देखिए, ATP कहाँ use होता है? Stroma में? CO2 को फिक्स करने के लिए, और बाद में CO2 फिक्स होने के बाद में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो ये कौन सी रिएक्शन में बनता है? डार्क रिएक्शन। ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल बन रहे हैं NADPH बन रहा है, यहां ATP बन रहा है, ये कहां बन रहा है? लाइट रिएक्शन में। और इमीडिएटली ये लाइट रिएक्शन में बनने वाले एनर्जी मॉलिक्यूल कहां यूज होते हैं? डार्क रिएक्शन में। क्या काम होगा? CO2 को फिक्स करने के लिए उनका यूज होता है। अब CO2 फिक्स होने के बाद में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो इन शॉर्ट इसमें पूरा फोटोसिंथेसिस आ गया कि नहीं, लाइट रिएक्शन भी आ गई और डार्क रिएक्शन भी आ गई। ऑल ऑफ यू गेटिंग, समझ में आ रहा है सबको? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है इसमें, काफी सारे स्टेप्स है, एच प्लस का एक्युमुलेशन बढ़ता है इन साइड में, रिमेन आउट साइड कम हो जाता है, इसमें क्या क्या रिलीज होता है O2 H2O के ब्रेक डाउन में, O2 तो बाहर चला जाता है, H plus ion का क्या होता है उसका concentration बढ़ता है, और electron क्या होते हैं circulate होते हैं, that electron are important for the chemical reactions, this is about the chemiosmotic hypothesis।